tanmann.org पर हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस, लाइफस्टाइल और फैशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते हैं। इसी कड़ी में इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं विटामिन B6 से होने वाले फायदों और इसकी कमी से होने वाले नुकसान के बारे में। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या खाने पीने से आपके शरीर में विटामिन B6 का लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन जब तक हम आपको इसके बारे में बताएं, तब तक आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। विटामिन B6 भी शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाए तो इससे कई तरह की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन B6 हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और इससे कौन से लाभ मिलते हैं। ये दिल को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। छोटी आंत इससे सुरक्षित रहती है। मांसपेशियां भी इससे महफूज रहती हैं। तंत्रिका तनाव को इससे आराम मिलता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए विटामिन B6 बेहद जरूरी है। जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां खाती है उनके लिए भी विटामिन B6 जरूरी होता है। मानसिक शांति के लिए भी ये जरूरी विटामिन है। दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। शरीर में चर्बी का ये सही इस्तेमाल करता है। खून बनाने में ये मदद करता है। अच्छी नींद लाने में इस विटामिन की बड़ी भूमिका होती है। आइए अब जानते हैं विटामिन B6 की कमी से होने वाले 21 नुकसान के बारे में। कोई महिला यदि गर्भवती है तो उसे लगातार उल्टियां होने लगती है। इस विटामिन की कमी से हमेशा परेशानी महसूस होती है और मन उदास रहता है। पाचन तंत्र हमेशा बिगड़ा रहता है। ठीक से भूख नहीं लगती। स्वास्थ्य गिरने लगता है। वजन का घटना शुरू हो जाता है। शरीर में कंपन महसूस होता है। कब्ज की शिकायत हो जाती है। नींद ठीक से नहीं आती। शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। हमेशा शरीर थका थका सा रहता है। शरीर में जो प्रोटीन होते हैं उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाता है। त्वचा और बालों की भी समस्या पैदा हो जाती है। नसों में तनाव होने लगता है। चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये कैंसर की ओर भी ले जा सकता है। लिवर ठीक से काम नहीं करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होने लगती है। होंठ सूखने लगते हैं। दिमाग अशांत रहने लगता है। जीभ का भी सूखना शुरू हो जाता है। और अब आखिर में ये भी जान लेते हैं कि क्या चीजें खाने पीने से आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी नहीं होगी। खमीर में ये विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। आटे का उपयोग चोकर के साथ करें। जाड़े के दिनों में गोभी जरूर खाएं। हरा मटर खाने से भी ये विटामिन मिलता है। जौ विटामिन B6 का एक अच्छा स्रोत है। अंकुरित गेहूं में भी विटामिन B6 होता है। दाल भी आपको रोजाना खानी चाहिए। फल का सेवन नियमित रूप से करें। थोड़ा दूध भी लेना चाहिए। हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए आपकी पसंद और जरूरत का वीडियो लेकर आ सकें। तब तक हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।